हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं वह खूबसूरत प्लांट है। ये इसको उजेलिया कहते हैं, इसको पिली बिली भी कहते हैं और इसको और भी दूसरे नामों से बुलाते हैं। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट है। आप देख रहे हैं इसकी पत्तियों का कलर कितना अच्छा है, कहीं ग्रीन है, कहीं येलोइश ग्रीन है, कहीं रेड पत्तियाँ हैं, कहीं डार्क पत्तियाँ हैं। ये इस प्लांट की ब्यूटी है। और ये परमानेंट प्लांट है, इसको मैंने अभी हाल में ही ख़रीदा है, 130 रुपीज़ के दो प्लांट ख़रीदे हैं ये। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी देखभाल क्या है जिससे कि इसकी पत्तियों का रंग बराबर बना रहे और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। तो फ्रेंड्स, ये उजेलिया प्लांट है, इसको पिली बिली भी कहते हैं और बेहद खूबसूरत है, अपनी पत्तियों के कारण जाना जाता है ये। और आजकल बहुत ट्रेंड में है ये, और मिलता काफ़ी महंगा है, मुझे अचानक ही मिल गया सस्ता तो मैंने ले लिया। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट है तो आप इसको पॉट में लगाइए। अभी जो मैंने नया ख़रीदा है ये तो अभी पॉलीथीन बैग में ही लगाया हुआ है और अभी इसको पॉट में शिफ्ट करना है मुझे। तो इसको, ये जो प्लांट है ये आप देख रहे हैं, ये 2.5-3 फीट की हाइट का है। ये इसकी बॉन्साई वगैरह भी आप बना सकते हैं चाहें तो, पर मैंने इसको पॉट में लगा कर डेकोरेशन के काम में ही लेने वाली हूँ, क्योंकि इसकी पत्तियों का जो कलर है मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। अभी जैसे ठंड है तो अभी बहुत डार्क हैं कलर की पत्तियाँ, और जब समर्स होंगी तो इसकी पत्तियों का रंग ऐसा येलोइश ग्रीन हो जाएगा। तो ये इस प्लांट की क्वालिटी। ये टफ है प्लांट, लेकिन इसकी आपको थोड़ी सी केयर करना पड़ेगी, क्योंकि ये कलर पत्तियों का होने के कारण हम इसे धूप में रखना ही पड़ेगा। ऐसे धूप इसे चाहिए ही चाहिए, मॉर्निंग की कम से कम 2-2.5 घंटे की धूप इसे चाहिए। अगर धूप कम होगी तो पत्तियों का कलर चेंज हो जाएगा। समर में इसकी पत्तियाँ ग्रीन हो जाती हैं और विंटर्स में थोड़ी रेडिश रहती हैं ऊपर से, तो बड़ा सुंदर लगता है ये देखने में। इसको आप वेल्डन सॉइल में लगाइए और मिट्टी में हमेशा हल्की सी नमी बनी रहे, ये इसकी खासियत। तो मतलब जब आप वेल्डन सॉइल बनाएंगे तो उसमें 30% सैंड, 30% कंपोस्ट और 30% गार्डन सॉइल रखेंगे, साथ में उसमें 10% आप कोकोपीट मिला दीजिए जिससे कि उसमें नमी बराबर बनी रहे। दूसरे, ये पत्तियों वाला फॉलिएज वाला प्लांट है, तो इसमें महीने में 2 महीने में एक बार आप खाद डाल सकते हैं। नाइट्रोजन रिच खाद के लिए बेस्ट होता है कंपोस्टी या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, वो इनके लिए बेस्ट रहती हैं। लोकेशन मैंने आपको इसको बता दी, इसे मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप ज़रूर मिले, और अगर आप कमरे में रखना चाहते हैं तो भी ऐसी जगह रखिए विंडो के पास जहाँ इसके 2-3 घंटे की इसको धूप में से मिलती रहे, अदरवाइज पतली पत्तियों का कलर चला जाएगा, ठीक है। और वाटरिंग को आपको मैंने पहले भी किया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पानी मौसम के हिसाब से डालिए और मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे, ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहे। ज़्यादा गीला होगा तो रूट्स इसकी रूट गल जाएंगी, सड़ जाएंगी। अब पेस्ट वगैरह की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें भी पेस्ट वगैरह लगते हैं, लेकिन अगर आप 15 डेज़ के इंटरवल पे नीम ऑयल और डिश वॉश मिला के स्प्रे करते हैं तो ये आपका प्लांट पेस्ट वगैरह से बचा रहेगा। मई जून की तेज़ गर्मियों में अच्छा है आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें या इनडायरेक्ट सनलाइट में, जहाँ पे कि 1-2 घंटे की इसे मॉर्निंग की धूप मिल जाए, ऐसी जगह रखिए, तो गर्मी में भी आपका अच्छा रहेगा प्लांट। और इस प्लांट को मतलब 2-3 साल बाद आप रिपोर्टिंग करें, जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं चाहता ये प्लांट, इसको आपको 1-2 साल रुक के 1-2 साल रुक के फिर आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए। और जब भी रिपोर्टिंग करेंगे एक साइज़ बड़े पॉट में रखें, जैसे अभी मैं इसे लगाऊंगी तो 10 इंच के पॉट में लगाऊंगी, नेक्स्ट ईयर जब 2-3 साल बाद जब इसे शिफ्ट करूंगी तो मैं इसको 11-12 इंच के गमले में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी छोटी सी जानकारी इतने सुंदर प्लांट की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।